ओवैसी आ गए हैं आप, आपकी की सीट मांग ली मुरादाबाद में। 5 सीट नहीं देंगे तो 20 लड़ेंगे, अरे 20 हराएंगे। चुनाव हो और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी चर्चा में ना रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओवैसी राज्यों के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, ओवैसी चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा उन पर फायर रहती है, लेकिन भाजपा से ज्यादा विपक्ष उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है और ओवैसी को भाजपा की बी टीम करार देता रहता है। इस बार भी जैसे ही चर्चा हुई कि ओवैसी यूपी की लगभग 20 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो विपक्ष ओवैसी पर लाल हो गया। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तंज कसा है और कहा है कि ओवैसी किस लिए चुनाव लड़ते हैं ये किसी से छिपा नहीं। रही बात इंडिया गठबंधन में शामिल होने की, तो अखिलेश ने ओवैसी को कभी मना नहीं किया, लेकिन ओवैसी का लक्ष्य तो मुस्लिम हमदर्दों को 20 सीट हराना है। डॉक्टर साहब, भाजपा ने 195 सीट घोषित कर दी है अपनी, लेकिन मुरादाबाद बची है, आप मतलब गठबंधन ने उनकी फंसा दी है सीट, क्या कहेंगे, मतलब घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ये तो भाजपा का मामला है, मुझे क्या मालूम क्यों उन्होंने नहीं करी। अब हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो देख रहे हैं कि किस तरह से किसको लड़ाया जाए, कौन चुनाव जीत सकता है, उसके हिसाब से आप बाद में करेंगे। ओवैसी आ गए हैं, आप ही की सीट मांग ली मुरादाबाद में उन्होंने। अब देखिए उनकी मर्जी है, वो सीट कोई सी मांगे, उनकी भी एक पार्टी है और चुनाव वो भी लड़ते हैं। नहीं, उन्होंने कहा गठबंधन में शामिल करें हमें अखिलेश के लिए कहा उन्होंने खासतौर पर। अखिलेश जी ने तो ही मना करा है, वो ये कह रही है अगर हमें 5 सीट 7 सीटें नहीं देंगे तो हम 20 पे लड़ेंगे, तो जैसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं मुस्लिम वोट काटने के, आप किस नज़र से देखते हैं बताएं? आपके सवाल में ही जवाब है, 5 सीट नहीं देंगे तो 20 लड़ेंगे, यानी 20 हराएंगे। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी और विपक्ष के गठबंधन को लेकर हर चुनाव में माहौल गर्म रहता है, लेकिन ओवैसी का गठबंधन हो नहीं पाता और ओवैसी कई सीटों पर चुनाव लड़ विपक्ष का खेल बिगाड़ देते हैं और भाजपा का खेल बना देते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने तो 4 सीटें जीत कांग्रेस और राजद को सत्ता से दूर कर दिया था। फिलहाल ओवैसी लोकसभा चुनाव को लेकर किस रणनीति पर काम करते हैं, ये दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।